हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में बार डायग्राम के अगले टाइप को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने दो टाइप ऑफ बार डायग्राम डिस्कस कर लिया है, बना लिया है हमने, सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम क्या है हम लोगों ने वो देखा। आज हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम को इस क्लास में शुरू करेंगे और उसका नाम है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अगला जो टाइप है बार डायग्राम का उसका नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये है क्या और इसे हम किस तरह से बनाएंगे ये हम देखें। सबसे पहले हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम के मतलब को लिखें। तो दीज रिप्रेजेंट टोटल वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डाटा एंड ऑल्सो इट्स पार्ट वैल्यूज साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसा तरीका है बार डायग्राम बनाने का जिसमें आपका जो भी सेट ऑफ डाटा गिवन होता है हम उसका टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ जो भी पार्ट वैल्यूज होते हैं हम उसे भी दिखाते हैं एक साथ। इस तरह के डायग्राम में ईच कंपोनेंट यानी कि हर एक हिस्सा जो होता है बार का, ईच पार्ट ऑफ द बार ऑक्यूपाइज सेम प्लेस, या ऑक्यूपाइज कह सकते हो प्लेस, इन द बार प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन द टोटल। इस तरह के डायग्राम को हम कंपोनेंट बार डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। जो आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम है इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट बार डायग्राम। अब देखते हैं कि ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सब डिवाइडेड, तो ये एक ऐसा बार डायग्राम है जिसमें हम कोई भी सेट ऑफ डाटा जो हमारे पास गिवन है उसका टोटल वैल्यू दिखाते हैं, साथ में जो पार्ट वैल्यूज होंगे जो भी टोटल, जैसे टोटल वैल्यू 100 मैं दिखा रही हूँ और इस 100 को निकाला है मैंने 20 प्लस 50 प्लस 30 करके। मान लीजिए कि वैल्यू गिवन है आपके पास 20, 50, 30, इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने जोड़ा तो 100 आया। इस तरह के डायग्राम में जब हम बार बनाते हैं तो ये बार डायग्राम आपका टोटल वैल्यू को दिखाता है फर्स्ट। सेकंड, इस तरह के डायग्राम में जब आप बार बनाते हो तो टोटल वैल्यू के साथ साथ हम इसका पार्ट वैल्यूज़ को भी दिखाते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। मतलब इस बार में 100 आया है तो मान लीजिए 20 है तो 20 का शेयर इतना है तो ये हम इसको डिवाइड करके दिखाएंगे 20। फिर इसके बाद का जो अगला हिस्सा है 50, तो 50 का शेयर हमारा अगर इतना है, मान लो स्केलिंग वाइज हम इसको करके देखेंगे प्रॉपर 50, तो इतना हम उसको डिवाइड करके अगेन दिखाएंगे। रेस्ट जो पार्ट है 30, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो जब हम इस तरह से बार डायग्राम बनाएं जिसमें हम बार बना रहे हैं टोटल वैल्यू हम दिखा रहे हैं, साथ में हम उसके पार्ट वैल्यूज को भी दिखाते हैं एक साथ इन द सेम बार, तो उस डायग्राम को हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। इस तरह के बार डायग्राम में जो ईच कंपोनेंट्स होता है, मतलब जो हर एक पार्ट होता है, हर एक हिस्सा, वो ऑक्यूपाई करता है प्लेस इन द बार प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन द टोटल। टोटल में 20% का जितना हिस्सा था इस एग्जाम्पल में,
इस बार में इतना हिस्सा आपको इस पार्ट को मिलेगा। टोटल में 50 का जितना हिस्सा था तो वो अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर इन द टोटल आपका उतना प्लेस जो है वो बार में ऑक्यूपाई करता है। उसके अलावा चूंकि इस तरह के बार डायग्राम में आप देख रहे हो हम सेम बार को डिवाइड करने हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो इसीलिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट बार डायग्राम। ये नाम आपको एडिशनल इसलिए बताया जाता है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये हम इजिली कर पाएँ इसी वजह से, ठीक है। अब हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन से आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही दिया हुआ है अगेन, और अलग अलग साल में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे गिवन है इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, और हमें उस इन्फॉर्मेशन से सब डिवाइडेड बार डायग्राम को बनाना है। ईयर्स दिया हुआ है साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स है, लाइक 2004 गिवन है, 2005 एंड 2006। और जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आर्ट्स साइंस में जो टोटल बच्चे हैं 600 है 2004 में, 900 है 2005 में और 1000 है आपके 2006 में। वहीं पे आर्ट्स में टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 1400 है, 2005 में 600 है और 2006 में 700 है। कॉमर्स के बच्चों की संख्या दी हुई है इन 2004 1000, इन 2005 500 एंड इन 2006 800। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन हम लोगों को बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कैसे बनाएंगे? तो देखा हमने, जैसे कि इसके डेफिनेशन में हमने देखा कि सबसे पहले टोटल वैल्यू को दिखाते हैं, फिर इसके पार्ट वैल्यू को दिखाते हैं। पार्ट वैल्यूज तो दिए हुए हैं अलग अलग, हमें सब डिवाइडेड बार बनाने के लिए सबसे पहले टोटल वैल्यूज को निकाल लेना होगा। आप टोटल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप स्ट्रीम वाइज भी टोटल कर सकते हो और आप ईयर वाइज भी टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ईयर वाइज टोटल कर लेते हैं ताकि जो हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम है वो बन सके। तो अगर 2004 में हम जानना चाहें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप सिंपली सारे वैल्यूज को जोड़ के निकालोगे, तो ये जब आप जोड़ोगे तो वैल्यू आएगा आपका 3000 टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2004। अब हम 2005 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे, वो हमने जब निकाला है तो 900 प्लस 600 प्लस 500 इक्वल्स टू आपका वैल्यू आ जाएगा 2000। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2005 आर 2000 एंड देन 2006 में भी सेम ही काम करेंगे और टोटल 1000 प्लस 700 प्लस 800 करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा हमारा 2500। अब हमारे पास वो सारे वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं। सब डिवाइडेड बार बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाना होगा। Y एक्सिस पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाते हैं और X एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिफरेंट ईयर्स।
अलग अलग साल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हम वो दिखाते हैं। अच्छा 2000 ईयर्स जो है वो हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो एज इट इज जैसा गिवन है आप उसको ले सकते हैं। 2004 विद इक्वल डिस्टेंस, तो 2004, 2005 एंड 2006। वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है स्केलिंग प्रॉपरली करना। मिनिमम वैल्यू देखेंगे हम क्या है, मिनिमम वैल्यू है 500 से कम नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे क्या है विच इज 3000। तो आपको टोटल वैल्यू भी दिखाना है तो आपको उस हिसाब से वैल्यूज जो हैं वो लेने होंगे। तो आप स्केलिंग कुछ इसी तरह से करें, आप 500 का गैप ले सकते हैं, 500 यहाँ पे जो वैल्यू है उसके बेसिस पे मैं 500 का गैप लेके आपको बताती हूँ। 1500, 2000, 2500 एंड 3000, ये हमने कर लिया है स्केलिंग। अब हम बनाएंगे बार। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में सबसे पहले टोटल वैल्यूज़ को दिखाते हैं, फिर पार्ट वैल्यूज़ को दिखाते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बताऊं, आप सबसे पहले क्या करो कि 2004 में टोटल जो वैल्यू है उसका बार बना लो, फिर हम उस बार को डिवाइड कर देंगे उसके पार्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम 2004 में बार बना लेते हैं 3000 का। 3000 का बार आप सिंपली इसको बना लो, टॉप में आपको यहाँ वैल्यू लिखना नहीं भूलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा आप तो लिखोगे। अब ये बन गया हमारा 2004 का टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हुआ बार। अब हमको इसको सब डिवाइड करना होगा इनके पार्ट वैल्यूज के बेसिस पे। देखिए सब डिवीजन जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, तो 2004 में साइंस के स्टूडेंट्स 600, तो हम क्या करें, नीचे से शुरू करो और 600 जो कि 500 है, 500 का गैप है, इसको आप 5 हिस्सों में बांटोगे तो 600 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 600 से मैच करते हुए हम डिवाइड कर देंगे इस बार को, हमने डिवीजन कर दिया। बीच में आपको वैल्यू लिखना है, यहाँ पे आप ऊपर नहीं लिखोगे क्योंकि ऊपर का हिस्सा दूसरे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीच में हमने 600 दिखा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन द सेम बार अब हमको 1400 दिखाना है। इस बार में 600 दिखा चुके हैं, अब आपको इस लाइन के ऊपर से 1400 दिखाना है। तो क्या करोगे, 600 में 1400 को ऐड कर दो। ऐड जब आप करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 2000। तो 2000 आपको स्केल में दिखेगा। देखो ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसके बाद 1400 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस बार में 600 दिखा चुके हो, तो अब आपको इस लाइन के ऊपर 1400 दिखाना है। अगर हम इस लाइन के ऊपर बढ़ जाते हैं तो 1400 हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हम दिखा चुके हैं उसमें एडिशनल वैल्यू को ऐड करेंगे और जो वैल्यू आ जाएगा जैसे कि 2000, तो 2000 अब हमको स्केल पे मिल रहा है, हम ये 2000 से मैच करते हुए इस बार को डिवाइड कर देंगे। ये जो पोर्शन है ये 2000 नहीं है, 2000 में 600 हटाने के बाद जो है वो है दैट इज 1400। ध्यान से इसको देखिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम सेम बार में दिखा रहे हैं, तो सेम बार में पहले मैंने 600 डिवाइड कर दिया जो कि साइंस के स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, फिर 1400 हमने कैसे निकाला, तो जितना निकाल चुके हैं जितना दिखा चुके हैं उसी में एडिशनल वैल्यू को पहले ऐड करो, डिवाइड करो बार को, और उस एडिशनल वैल्यू को लिखना है ना कि टोटल वैल्यूज को, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आर्ट्स दिख चुके हैं ना, अब हमको कॉमर्स दिखाना है। तो 1000 में आप 2000 में 1000 को जोड़ोगे तो 3000 मिलेगा, यानी कि यहाँ से अब आपको इस लाइन के ऊपर दिखाना है, ऊपर तो 3000 है ही, तो जो रेस्ट पोर्शन है ये कितने को दिखा रहा है, तो 1000 को दिखा रहा है। ध्यान से समझिएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसमें हम सबसे पहले टोटल वैल्यू को दिखा रहे हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू शेयर, अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स उसका जो भी शेयर है इन द टोटल,
उसके बेसिस पे हम बार को डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवीजन आपने कर दिया है, अब आपने वैल्यू दिखा दिया। कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू कौन से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे 600 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक 600 क्या बता रहा है, आर्ट्स है, साइंस है कि कॉमर्स है? इसके लिए अगेन आप डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकें अलग अलग तरीके से। उसके अलावा आप अलग, जैसा कि मैंने बोला, साइंस के लिए अलग पैटर्न यूज़ करो, अलग कलर यूज़ करो, आर्ट्स के लिए आप अलग पैटर्न यूज़ करेंगे। और कॉमर्स के लिए भी आप सेम ही काम करोगे, उसके लिए भी आपको अलग पैटर्न ही यूज़ करना है। ये बन गया हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम पहले साल का, जो कि है 2004। अब हम फिर से 2005 का सब डिवाइडेड बार बना लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल वैल्यू मैंने देखने को लिए, दिखाने के लिए कहा, सबसे पहले आप टोटल वैल्यू दिखाओ 2000। आप 2000 को रिप्रेजेंट करता हुआ एक बार बनाएं। फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स पार्ट वैल्यूज़ हम इसको सब डिवाइड करेंगे। टॉप में वैल्यू लिख देंगे 2000, और जैसा हमने 2004 का बार बनाया उसी तरह से 2005 का भी बनाएंगे। 2005 में साइंस के स्टूडेंट्स हैं 900, तो नीचे से आप तो ये सिंपली दिखा सकते हो 900 यहाँ पे आएगा, हमने ऑलरेडी इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको बताया था टोटल वैल्यू को आपको लिखना है 900। फिर आर्ट्स के स्टूडेंट है 600, तो आप 600 दिखाओगे, क्या करोगे 900 में, अब आप 600 को ऐड करोगे। जब आप जोड़े तो आपको आ गया 1500, क्योंकि अगर आप इस लाइन के ऊपर बढ़ते हो तो अब आपको इस लाइन के ऊपर स्केल पे 600 नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जोड़ना है, और जोड़ करके जो वैल्यू आया है विच इज़ 1500, तो इस लाइन के ऊपर अब हमको 1500 मिल जाएगा। तो 1500 है यहाँ पे, हम इसके अकॉर्डिंग इस बार को डिवाइड कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे हम 600। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट्स के। नाउ कॉमर्स के बच्चों को हमको 500 दिखाना है, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर यानी कि 1500 में 500 ऐड कर दीजिए, आपको आ गया वैल्यू 2000। वैल्यू है यहाँ तक, तो यानी ये जो रेस्ट पार्ट है दिस इज़ 500। अब आपने जो भी कलर, पैटर्न, डिज़ाइन यूज़ किया था रिप्रेजेंट करने के लिए पहले बार में जिस सब्जेक्ट को, वही कलर, वही डिज़ाइन आप यूज़ करोगे अगले बार में भी सेम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है यहाँ पे साइंस को दिखाने के लिए, हम वही इस्तेमाल करेंगे अगले बार में भी साइंस के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो डिज़ाइन बनाया है आपको वही डिज़ाइन यूज़ करना होगा अगले बार में भी उसी सेम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमने कॉमर्स को, आर्ट्स के लिए हमने ब्लू कलर यूज़ किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जैसा हमने डिज़ाइन बनाया वही डिज़ाइन आप अगले बार में भी बनाओगे। एंड रेड कलर हमने यूज़ किया फॉर कॉमर्स, तो हम वही काम फिर से करेंगे, सेम पैटर्न यूज़ करेंगे अगले बार में भी कॉमर्स के बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बन गया हमारा बार 2005 में, और अब आप 2006 का बार बनाओगे बिल्कुल उसी तरह से। और क्या करोगे, सबसे पहले टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हुआ बार बना देंगे। अब तक हम सीख चुके हैं कैसे क्या करना है, टोटल वैल्यू लिख देंगे और फिर इस बार को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर देंगे। तो साइंस के स्टूडेंट्स 1000, इस बार को हम 1000 में सबसे पहले डिवाइड करो, वैल्यू लिखेंगे। फिर आर्ट्स, आर्ट्स के है 700, तो 1000 में 700 को ऐड कर देंगे, 1700 मिल जाएगा। इस लाइन के ऊपर हम जाएंगे तो हमें 1700 ईजिली मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा कुछ। यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 700, ना कि 1700, क्योंकि ऑलरेडी 1000 तो हम दिखा चुके हैं। अब इसमें हमको नेक्स्ट दिखाना है 800,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आ रहा है टोटल वैल्यू हमारा दिख रहा है, तो जो रेस्ट पार्ट हो गया दैट इज 800। ये दिखा रहा है क्या, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, जैसा कि मैंने बोला सेम कलर सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न आप यूज़ करोगे अगले बार में भी सेम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। ग्रीन कलर इस बार में भी यूज़ होगा टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस। आर्ट्स के बच्चों के लिए ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो अगले बार में भी सेम कलर का इस्तेमाल होगा। एंड रेड कलर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कॉमर्स के बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सेम कलर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम कॉमर्स दिखाएंगे। ये तैयार हो गया हमारा बार डायग्राम। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि कलर यूज़ कर लिया, डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ कर लिया, पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे भी आपको इंडेक्स बना लेना होगा, यहाँ पे भी आपको इंडेक्सिंग करनी होगी। आप साइड में जितने भी पार्ट में आपका बार बटा हुआ है आप उतने छोटे छोटे इंडेक्स बनाएंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे गिवन है तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को लिख लोगे, और जो भी डिज़ाइन या कलर आपने यूज़ किया है उसी डिज़ाइन और कलर का इस्तेमाल आप करोगे। साइंस के लिए हमने ग्रीन कलर यूज़ किया था, आर्ट्स के लिए हमने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है एंड कुछ ऐसा पैटर्न था, एंड कॉमर्स के लिए हमने रेड कलर यूज़ किया था और पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का था। ये हमारा रेडी हो गया है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हमने देख लिया कि जब भी हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन हो अलग अलग टाइप के, तो उनको दिखाने के लिए हम सेम बार यूज़ करते हैं, और सेम बार में हम डिवीज़न कर देते हैं बार को अकॉर्डिंग टू इट्स पार्ट वैल्यूज़, और हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चूँकि आप देख पा रहे हैं कि हमने सेम बार में अलग अलग कंपोनेंट्स में इस बार को डिवाइड कर दिया, इसीलिए इस बार को हम कंपोनेंट बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। सो अब तक हम लोगों ने तीन टाइप ऑफ बार डायग्राम डिस्कस कर लिया है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बार डायग्राम के अगले टाइप पे चलेंगे जिसका नाम होगा परसेंटेज बार डायग्राम, और वो जो बार डायग्राम है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम की ही तरह है, बस यहाँ पे हम वैल्यूज़ एज इट इज़ ले रहे हैं, वहाँ पे हम वैल्यू को सबसे पहले पार्ट वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसका बार डायग्राम बनाएंगे। तो सब डिवाइडेड बार की ही तरह है, जब आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करके बार डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम को हम परसेंटेज बार डायग्राम कहते हैं। तो ये हम किस तरह से बनाते हैं ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम तक देख चुके हैं और इसको हम घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।